वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही यूनियन बजट पेश करेंगी, लेकिन इससे पहले सीतारमण की ओर से मिडिल क्लास फैमिली के लिए राहत पहुंचाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो मिडिल क्लास फैमिली पर बढ़ते दबाव से वाकिफ हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार ने मिडिल क्लास पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त मंत्री 2023-2024 का बजट पेश करेंगी। ये उनका 5वां यूनियन बजट होगा। आरएस के मुखपत्र 5 जन्य पत्रिका के एक समारोह में निर्मला सीतारमण ने कहा, मैं भी मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखती हूँ, इसलिए मैं मध्यम वर्ग के दबावों को समझ सकती हूँ। मैं खुद को मध्यम वर्ग से पहचानती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार ने मिडिल क्लास पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए 27 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित करने और 100 स्मार्ट सिटी बनाने के जैसे कई कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया कि सरकार मिडिल क्लास के लिए और अधिक कर सकती है, क्योंकि इसकी आबादी बढ़ रही है और अब ये वर्ग काफ़ी बड़ा हो गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं उनकी समस्याओं से भलीभांति वाकिफ हूँ, सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और वो ऐसा ही करना जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार 2020 के बजट से हर बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आउटले बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए इसे 35% से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। बैंकिंग सेक्टर पर उन्होंने कहा कि सरकार की 4R रणनीति यानी रिकग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रेजोल्यूशन और रिफॉर्म ने सार्वजनिक क्षेत्र में यानी बैंकों में PSP के रिवाइवल में काफ़ी मदद की है। इसकी वजह से NPE यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट में गिरावट दर्ज की गई है, जिस वजह से PSP के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। वहीं 2024 के आम चुनाव से पहले ये आखिरी फुल बजट होगा। अगले साल फरवरी में भी सरकार बजट पेश करेगी, लेकिन वो अंतरिम बजट होगा। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार चुनाव से पहले आम जनता को रियायत दे सकती है। खास तौर से सरकार की नज़र मिडिल क्लास फैमिली को लुभाने की होगी।